अभी हम खड़े हैं पटना सिटी के नून के चौराहा इलाके में, और यहाँ 20 अप्रैल को सन्नी गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, और आज 5 दिन बीतने को है लेकिन हत्यारा अभी भी फरार है। हमारे बगल में आप देख सकते हैं, ये सन्नी गुप्ता का परिवार है, जो एक फूल सी बच्ची है सन्नी गुप्ता के पत्नी की गोद में, और सन्नी गुप्ता की पत्नी है यहाँ पे, उनकी माँ है, जो काफ़ी ये घर है जो अभी पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है इस घर में, और लेकिन 5 दिन बीत गए हैं पटना पुलिस के हाथ में, अभी तक हत्यारा नहीं आया है, क्योंकि पटना लॉकडाउन है उसके बावजूद भी पटना पुलिस के हाथ खाली हैं, ना सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, ना ट्रेन चल रहे हैं, ना ही कोई फ्लाइट चल रही है, उसके बावजूद भी पटना पुलिस के हाथ खाली हैं। और बताया जा रहा है मोहम्मद चाम नाम का एक आरोपी है जो इसी इलाके में रहता था, उसे पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, 5 दिन बीतने को हैं। और यहाँ पे देखिए सन्नी गुप्ता की पत्नी, हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ था 20 अप्रैल को, बताइएगा। उस टाइम तो हम नहीं थे, मेरी माँ थी। आपको क्या सूचना मिली? हमको कुछ बस नहीं, हम तो किचन से आए तो देखे मेरे हस्बैंड को गोली लगा हुआ, वो पड़े हुए थे। हमको बस न्याय चाहिए, जो मेरे पति पति को जो मारा है बस उसको फांसी लग रही थी। 5 दिन बीतने को है, कोई आया आपकी सुध लेने प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं आया अभी तक, वो मिला भी नहीं। पति थे 5 दिन हो गया अभी तक मिले नहीं है उसको। तो काफ़ी ही गमगीन माहौल है यहाँ पे, जो एक पत्नी है उनके पति की हत्या कर दी जाती है, और स्वाभाविक बात है कि उनका जीना दुहार हो गया है, जिस तरह से ये रो रही हैं, और गोद में एक बच्चा फूल सी बच्ची है, और एक और बेटा भी है सन्नी गुप्ता का। हम सन्नी गुप्ता की माँ से बात करेंगे, बताइए क्या हुआ था उसे? क्या बताएं सर, मेरा बेटा सामने खड़ा था, बाबू अम्मा थे, मेरा बेटा था, बाबू खड़ा था, बउआ बड़ा वाला। हम जब देखे तो पहले रैलिंग में पुलिस का डॉग को सब मिल के मुस्लिम लोग ने मारा, और आधा पुलिस थोड़ा यहाँ पर घुसा हुआ था, मेरा बाबू नीचे थोड़ा सा ऐसे देखा, फायरिंग जो मतलब चला, हम भी वहीं थे, ये थोड़ा किचन में थी, फिर हम थोड़ा सा अपना पर्दा हटाए, ये किचन से निकल के बोली माँ देखो ना खून, नहीं पहले हम सोचे कि गिर गया कि का, देखे तो कि खून पूरा बह रहा है और इधर से गुद्दा पूरा फेंका हुआ है। तब बोले मेरा अब दो को फायरिंग का आवाज़ आया, 2-3 फायरिंग का आवाज़ हुआ, तब हम फिर पर्दा से निकल कर बाहर चले गए कि मेरा बाबू मेरे साथ ही खड़ा था, हमको लग जाता हम मर जाते तो अच्छा था। तो एक माँ है, एक माँ का दिल जो है कलेजा वो फट रहा है, क्योंकि उनके बेटे की दिन दहाड़े उनके सामने हत्या हो गई है। काफी ही गमगीन ये माहौल है, कोई भी देख के इस वक्त अपने आंख में आंसू नहीं रोक पाएगा, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक माँ का दर्द छलक रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े इनके बेटे की हत्या कर दी गई है, और 5 दिन से अपराधी फरार है, पुलिस को उसकी कोई भनक नहीं है। हम सन्नी गुप्ता के भाई से बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर पूरा वाकया क्या हुआ था उस दिन, प्रत्यक्षदर्शी ये थे, बताइए क्या हुआ था? जैसे लॉकडाउन तो चल ही रहा था, तो एक गली में एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि पुलिस प्रशासन पे हमला करना, जैसे हर राज्य में फैला हुआ, तो उसी क्रम में एनसीसी वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं 10-15 की संख्या में गली में प्रवेश किए थे, तो एक तरह भगदड़ का माहौल मचा था अंदर, तो भगदड़ का माहौल मचा तो हम मेरे घर में घुस गए, तो हम पापा भैया बोया सब नीचे गए, तो विरोध विरोध किए, तो बोलने लगा तुम लोग अथी हो, ऐसे हो, संघी हो, ऐसे हो, पार्टी विशेष पे हमला करने लगा, तुम लोग पक्षपात करते हो, तो उतना बहस करते करते वो डायरेक्ट भैया को हम ऊपर भेज दिए, भैया जैसे ही मतलब रेलिंग पे ताकने गया उसको कि क्या हो रहा है, हम लोग पापा नीचे बात कर रहे थे, बहस करते करते वो उसके पापा कह गया आज ये सबका काम तमाम कर दो, वो गोली तो लगाए हुए था, पल में ही रखे हुआ था बंदूक, जैसे ही जब निकाला भैया पर डायरेक्ट, हम सब नीचे से देखे भैया पर डायरेक्ट नीचे से गोली चला दी। पहले वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, पहले तो घर में घुसा वो बचने के लिए पुलिस लोग से, तो हम लोग विरोध किए, तो उसको लगा कि हम लोग मतलब लॉकडाउन का समर्थक है, और मतलब कि इस टाइप का विरोधी समर्थक वाला बात हो गया बात वहाँ पे, तो वही गोली चला दिया। फिर वो एनसीसी वाले पे भी हमला किया था वो लोग गोली से, एनसीसी वाले, हाँ एनसीसी वाले कैसे कैसे वो लोग बच गए, एनसीसी वाले पे भी हमला हुआ, अगर भैया को उस दिन गोली नहीं मारता वो लोग
तो एनसीसी वाला को लगा हुआ था। मतलब अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई यही हुआ है कि मतलब पांच आदमी सिर्फ परिवार वाला पकड़ाया है, अभी तक वो फरार है। 4 दिन से इस लॉकडाउन में कहाँ गायब हो सकता है, कोई भी होगा आसपास में। आज 25 तारीख है सर, उसको तो कुर्की जब्त की अभी ऑर्डर निकालना चाहिए था, उसको घर उड़ भी तो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक कार्रवाई पुलिस उस टाइप का कोई कार्रवाई वैसा नहीं किया। तो अपराधी चांद मियां फरार है, जिस तरह से इन लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे वो, और यहाँ पे जबरदस्ती घर में छिपना चाह रहे, जब पुलिस उन लोगों के खदेड़ी तो वो घर में छिपना चाह रहे थे, इन्होंने कहा कि आप घर से बाहर चले जाइए क्योंकि लॉकडाउन है, किसी को घर में आने की परमिशन नहीं, उसी वजह से ये विवाद हुआ जहाँ तक इनका कहना है। और यही वजह है कि वो जाते जाते सन्नी गुप्ता की हत्या करके चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पटना पुलिस पर उठता है कि 5 दिन बीतने को है, पटना में लॉकडाउन है, पटना पूरी तरह से सील है, पटना में कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, पटना से कोई जा नहीं सकता है, कोई ट्रेन नहीं चल सकती है, ना ही यहाँ से कोई फ्लाइट जा सकती है, आखिर 5 दिनों से चांद मियाँ फरार है और पटना पुलिस के हाथ खाली है, तो पटना पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। सुजीत कुमार, बिहार अपडेट्स, पटना।